शाम को जब भी हम चाय पीते हैं तो हमें लगता है कुछ छोटा सा स्नैक हो साथ में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूंग की दाल से बने बहुत ही यमी और टेस्टी से नमक पारे कह लें, तो मैंने इनको ट्विस्टीज नाम दिया है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इनको बना के रखें 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें और आइए देखते हैं कैसे बनते हैं मूंग दाल ट्विस्टीज। मूंग दाल ट्विस्टीज बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे मूंग की दाल। तो ये सादी धुली हुई मूंग की दाल है, जिसे येल्लो स्प्लिट मूंग दाल भी कहा जाता है। और इसको मैंने अच्छे से धो के पानी में सोक कर दिया था 4 घंटे के लिए। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और हम इसमें ये मूंग की दाल डाल देंगे सोक की हुई। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जिससे कि ये अच्छे से कुक हो सके। और इसमें हम डालेंगे करीब 1 कप पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे कि हमारी दाल जो है वो अच्छे से प्रेशर कुक हो जाए। और अब हम इसको कवर करके और इसमें 2 से 3 सीटियाँ लगा लेंगे। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं लगानी है, मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटियाँ लगाएं, जिससे कि मूंग दाल बिल्कुल गल जाए। तो ये देखिए दाल को मैंने उबाल लिया था अच्छे से और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम ड्राई हो चुकी है। तो इसको हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2.5 कप आटा। तो गेहूँ का आटा यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, ये है कलौंजी या फिर निगेला सीड्स भी कहते हैं जिनको, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, हींग 1/4 चम्मच। और इसमें डालेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट हमने पहले दाल में भी ऐड कर दिया था, इसलिए सॉल्ट देख के डालें। इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। और अब हम इन सभी को बहुत अच्छे से मिलाएंगे और एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो पहले अभी हम इसमें क्या करेंगे, पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। हम ट्राई करेंगे कि हमारा डो जो है वो इसी दाल के साथ बन जाए। अगर आपको लगता है कि हमारा डो नहीं लग रहा है, तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो डिपेंड करता है कि अगर आपने जो दाल बनाई है उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी है, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा आटे का इस्तेमाल करना पड़े। डिपेंड करता है, इसमें प्रपोर्शन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है दाल को इसमें। और अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा ना डालें एक बार में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आटा बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो सॉफ्ट हो जाए। सेमी सॉफ्ट डो हमें लगाना है इसका। तो ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है। हम थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में लेंगे और इस डो के ऊपर लगा देंगे, जिससे कि ये ड्राई ना हो बिल्कुल भी। और अब हम इसको कवर करके करीब 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं, आइए अपना आटा चेक करते हैं। तो मैं इसको एक रोलिंग बोर्ड पे निकाल दूँगी। और अब हम इस आटे को 4 जो है पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, 4 से 5। और हम एक पोर्शन लेंगे और बाकी का पोर्शन कवर करके रख देंगे। इसको हाथ से थोड़ा एक सा कर लें। और अब हम इसको एक चपाती की तरह रोल कर देंगे। बहुत पतला नहीं करेंगे, हल्का सा मोटा रखेंगे इसको। कोशिश करके इसके साइड्स रोल करें, क्योंकि बीच में तो ये अपने आप ही रोल होता जाएगा। तो वैसे इसमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर अगर आप बेल नहीं पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसकी थिकनेस मैंने ऐसी रखी है, रोटी से थोड़ा सा मोटा है। और अब हम एक शार्प नाइफ लेंगे और इस तरह से इसके कट लगा देंगे। और अब हम जो ये बड़े वाले पीसेस हैं उसको बीच में से हल्का सा स्लिट कर देंगे और छोटे वाले पीसेस ऐसे ही रहने देंगे। और हम इस तरह से इनको फोल्ड कर देंगे, ये देखिए, और इनके साइड्स हल्के से दबा देंगे। तो हमें इनको ट्विस्ट करना है इस तरह से, ये देखिए। और इस तरह के मैं बाकी सारे आटे की भी तैयार करूँगी। और आइए अब हम इनको फ्राई करेंगे। तेल को हमने यहाँ पर गर्म कर लिया है, बहुत तेज़ आँच पर ना डालें इन्हें, थोड़ी धीमी आँच पर डालें, नहीं तो ये जल जाएंगे। और थोड़ी देर बाद हम इनको चला देंगे, ये देखिए। और हमें इनको तलना है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक। तो लास्ट में हम आँच को हल्का सा तेज़ कर देंगे, क्योंकि ये सिक्के एकदम तैयार हैं, बस हल्का सा कलर देंगे इनको हम, और ये एकदम परफेक्टली क्रिस्प हो जाएंगे और इन पर बहुत बढ़िया सा कलर आ जाएगा। आपने देखा इनको बनाना कितना आसान है, और ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। और आप बना के रख लें ठंडा बिल्कुल करके, इसको स्टोर करें एयर टाइट बॉक्स में, ये 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। शाम को चाय के साथ खाएं, बच्चों को स्नैक में रखें स्कूल के, उनको बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये आपको बहुत पसंद है। अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।